हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कुशल और आज हम बात करने वाले हैं सीटाफिल के दो सनस्क्रीन जेल के बारे में, सीटाफिल सन एसपीएफ 30 और सीटाफिल सन एसपीएफ 50+। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही एफिलिएट मार्केटिंग के लिए है। आप लोगों में से कुछ सब्सक्राइबर ने इसकी स्पेशल डिमांड की थी, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखने पर आपको नॉलेज मिल जाएगा कि क्या इन प्रोडक्ट्स में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इनको यूज़ करने का क्या सही तरीका है और क्या ये आपकी स्किन को सूट होगा या नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे सभी वीडियोस पर बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी के इस विश्वास और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीटाफिल सन एसपीएफ 30 और सीटाफिल सन एसपीएफ 50+ में कौन सी कॉमन बातें हैं। दोनों ही प्रोडक्ट को आप फेस और बॉडी दोनों पर लगा सकते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबिन फ्री है और हाइपोएलर्जेनिक है, जिसका मतलब आपकी स्किन में इरिटेशन, सेंसिटिविटी या एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सीटाफिल सन एसपीएफ 30 या सीटाफिल सन एसपीएफ 50+ दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जेल है। ये आपको यूवीए, यूवीबी और इंफ्रारेड लाइट से बचाते हैं। कंपनी ये दावा करती है कि यह दोनों प्रोडक्ट नॉन कोमेडोजेनिक है, यानी कि आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। जेल बेस यह प्रोडक्ट्स ज़्यादा चिपचिपे नहीं होते और इनमें विटामिन ई होने की वजह से स्किन के लिए फ्री रेडिकल से फाइट करने में ये आपकी मदद करेंगे। दोनों ही सनस्क्रीन जेल वाटर रेजिस्टेंस होने की वजह से पसीना, पानी से इनका इफेक्ट उतना कम नहीं होता। दोस्तों, अब जानते हैं इन दोनों सनस्क्रीन जेल में क्या डिफरेंसेस है, यानी सीटाफिल एसपीएफ 30 और सीटाफिल एसपीएफ 50+ में क्या क्या अलग अलग बातें हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। इन दोनों प्रोडक्ट में मेन डिफरेंस इनके सन प्रोटेक्शन फैक्टर का है, यानी एसपीएफ। एक का SPF 30 है और दूसरे का SPF 50 है। दोस्तों, सन की UVB रेस यानी अल्ट्रा वायलेट बी रेस की वजह से हमारी स्किन को काफ़ी डैमेज होता है, जैसे सनबर्न होना, पिगमेंटेशन होना, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। इन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन में SPF होता है। SPF 30 सन की इस घातक UVB रेस को 97% तक ब्लॉक कर देता है, जबकि SPF 50 इन UVB रेस को 98% तक ब्लॉक करता है। दोनों के प्रोटेक्शन में सिर्फ 1% का डिफरेंस है, ओनली 1%। सो इसीलिए दुनिया के सभी जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप घर के अंदर, ऑफिस के अंदर ज़्यादा रहते हैं तो आप SPF 30 का सनस्क्रीन जेल यूज़ कीजिए, और SPF 50 उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जिनका बाहर का काम ज़्यादा रहता है, जिन्हें धूप में जाना पड़ता है, जैसे मार्केटिंग का जॉब या फिर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस जाना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा देर तक बाइक चलानी पड़ती हो, तो ऐसे समय SPF 50 वाला सनस्क्रीन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, सीटाफिल सन SPF 50+ ऑल टाइप ऑफ स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए रेकमेंड किया जाता है, और सीटाफिल सन SPF 30 ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए रेकमेंड किया जाता है। सही प्रोडक्ट चुनने के लिए हमेशा आपको आपकी स्किन टाइप पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आप घर पर ही आसानी से आपका स्किन टाइप पता कर सकते हैं हमारा ये वीडियो देखकर। दोस्तों, सीटाफिल के इन दोनों सनस्क्रीन जेल में SPF 30 और SPF 50 में इंग्रेडिएंट और उनके कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा फर्क होता है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो के अंत में सीटाफिल सनस्क्रीन जेल लगाने का सही तरीका और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ज़रूर जान लें। सीटाफिल का सनस्क्रीन जेल धूप में जाने के 20 मिनट पहले हर रोज़ लगाएं। सनस्क्रीन जेल हमेशा पहले साफ सुथरे चेहरे पर लगाएं, उसके बाद गर्दन और अन्य शरीर के भागों पर लगा सकते हैं। सनस्क्रीन को बहुत कम मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, अच्छे से लगाना चाहिए ताकि पूरी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके। ज़्यादातर सनस्क्रीन का असर 2 से 3 घंटों बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे दोबारा बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो ये सीटाफिल के सनस्क्रीन जेल वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं
तो आपको इसे 80 मिनट्स के बाद दोबारा लगाना पड़ता है। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि सनस्क्रीन हमेशा तेज धूप में ही यूज़ करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनस्क्रीन को आप डेली यूज़ कर सकते हैं, खास करके जब आप घूमने जाएं, बीच के किनारे, वाटर पार्क या पहाड़ों पर घूमने जाएं, तो सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वी आर अ बिग फैमिली ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पीपल। आप यह मेरे सारे वीडियो बिना ऐड के भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।